हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। परवल की भाजी, परवल की सब्जी तो आपने बहुत खाई है। अगर आप बोर हो गए हैं इस तरह की सब्जी खाकर तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, इसे आप रोटी पराठे के साथ इंजॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा। चटपटा है और टेस्ट बिल्कुल अलग है, तो ज़रूर बनाएं। आइए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। रोस्टेड परवल का भरता बनाने के लिए मैंने आधा किलो परवल ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश, और थोड़े से बड़े साइज के लेने हैं। ये आसानी से सब्जी के दुकान में आपको मिल जाएंगे। परवल को अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर इसमें ये जो चाकू से है ना, इसमें होल करेंगे। होल करना बहुत ज़रूरी है, अगर बिना होल के हम ऐसे रोस्ट करेंगे तो इसमें से बम फटेगा, इसका ध्यान रखें। ज़रूर से आप होल कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। सभी परवल में मैंने कर लिया है, अब इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने लिया है इस तरह का ये नेट, आपके पास जैसा भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है, तो ये अच्छे से इस सॉफ्ट हो जाएंगे, ये इसमें जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अलटते पलटते हमें इसे पका लेना है। ध्यान रहे हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाएं, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह का होना चाहिए, सॉफ्ट हो गए हैं। परवल एक ऐसी सब्जी है जो हर जगह मिल जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें ये खाने को जम्मू में नहीं मिलता था और हम बहुत वेट करते थे कब आए कब आए। तो फाइनली ये 2 साल से हमें मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी मिलते हैं हम उसी से संतुष्ट कर लेते हैं, बनाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को हमें पसंद है ये सब्जी। तरह तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं इससे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, हल्का गर्म रहते ही हमें इसके छिलके को उतार लेना है, ज़्यादा ठंडा होने पर फिर दिक्कत हो जाएगी। एक प्याली में मैंने पानी ले लिया है और हाथों को इस तरह से डिप करेंगे और छिलके को उतार लेंगे, ये आसानी से निकल जाएंगे इस तरह से। बार बार पानी में हाथ को डुबोएंगे और फिर छिलके को उतार लेंगे, तो ये आसानी से उतर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बैगन का भरता बनाते समय हम करते हैं, ठीक इसी तरह से करना है। अगर थोड़े बहुत छिलके रह जाए तो कोई बात नहीं, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको सारे छिलके को मैंने उतार लिया है। बनाने के लिए हमें चाहिए 2 हरी मिर्च और ये 1 नींबू, यहाँ मैं हाफ नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 मीडियम साइज के प्याज, इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे, और मिर्ची को भी बारीक चॉप करना है। तो क्वांटिटी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने कट कर लिया है, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच लिया है मैंने, हाफ नींबू और बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो इस नींबू को हम निचोड़ेंगे, आप चाहे तो 10 से 12 का लिया तवे पे लहसुन को रोस्ट करें और फिर छिलके उतार के इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से ही बनाई हूँ, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ हम अच्छी तरह से हाथों से ही मैश करेंगे। अच्छी तरह से मैश करने के बाद अंत में डालेंगे ये मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जरूर डालें, बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून, क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो परवल का भरता है ना, आज हम यही खाने वाले हैं रोटी के साथ, तो आप भी बनाइए खाइए, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा,
क्योंकि जैसे बैंगन का भरता बनता है तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, सब्जी से अलग है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो आप जरूर बनाएं, रोटी या पराठे के साथ तो जरूर खाएं आप, और मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। जिस दिन हमारे यहाँ सब्जी खाने का मूड नहीं होता तो हम इसी तरह से बनाते हैं और खाते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत ही पसंद से खाया जाता है। सब्जी खाने का दिल ना करे तो इस तरह से आप बनाए खाएं, आपके फैमिली में सभी पसंद करेंगे। आप देख ही सकते हैं ये कितने कम चीज़ों के साथ बनकर रेडी हो गई है, और वो भी इतनी टेस्टी। अगर आज का परवल का भरता आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। परवल का भरता बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि परवल में होल जरूर करें, बिल्कुल फ्रेश और बड़े साइज का परवल लें। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है, नहीं तो हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। हल्का ठंडा होने पे इसे परवल के छिलके को उतार लेना है थोड़ा हाथों में पानी लगाकर। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।